फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि आपका चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में आपका किसान मेले का आयोजन हुआ 8-9-10 अक्टूबर को, तो आइए उसका पूरा व्याख्यान आपको देखिए, उसमें आपको दिखाते हैं व्याख्यान से आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कैसे कैसे डिपार्टमेंट के ग्रेड होते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट को उनकी ड्यूटी लगती है। जैसे आप एमएससी में एजी में एडमिशन पा लेते हैं तो आपकी भी ड्यूटी इसी प्रकार से स्टॉल में लगेगी, ठीक है। कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के आपके इस डिपार्टमेंट में स्टॉल लगे हुए हैं, ठीक है। चलिए आपको लेकर चलते हैं। आपके जो डिपार्टमेंटल होते हैं, सबसे पहले जो भी किसान या फिर जो भी मेले में आते हैं लोग विजिट करने के लिए, तो उनके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक घोषणा कक्ष दिखा हुआ। उसके बाद आप देखेंगे तो जस्ट बगल में आपको पंजीकरण कक्ष रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे जो भी किसान आता है उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। फिर उसके जस्ट बगल में फल विज्ञान है, सब्जी विज्ञान है, बीज विज्ञान है, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, फिर सॉयल साइंस डिपार्टमेंट है, फिर एग्रोनॉमी है, उसके बाद क्रॉप प्रोटेक्शन है। फिर आप आगे आपको चलिए दिखाते हैं, देखिए डेकोरेटिव प्लांट लगे हुए हैं, पूरा फ्रूट पोमोलॉजी आपका यहाँ पर पोमोलॉजी डिपार्टमेंट है। आगे देखेंगे वो सब यूनिवर्सिटी के टैग लगी है, कैसे कैसे डेकोरेट किया गया, यही सब विजिट कराए थे, क्या क्या नई नई वेराइटियाँ आई हैं, ये सब तकनीक आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर सामने देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है फल अलंकृत बागवानी, मतलब फ्रूट डेकोरेशन आपकी जो भी गार्डनिंग है। फिर आदर्श गृह वाटिका जो आप लोग बनाते हैं, किचन गार्डन, जो वेराइटियाँ आती हैं यहाँ से डेवलप होती हैं, सारी वेराइटियाँ आपको मिलेगा। फिर साथ में पॉली हाउस नेचुरल मेथड तरीके से, फिर हमारे कृषि, ये आपका सीड डिपार्टमेंट सीड साइंस। फिर आगे आपको मिलेगा सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पर सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट हमें यही डिपार्टमेंट हमेशा हर वक्त हर साल जो भी डेकोरेशन होती है तो सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन डिपार्टमेंट सबसे बेहतरीन हमें डेकोरेटिव लगता है। अभी तक जितनी बार किसान मेला लगा कितनी बार आपका शानदार यही लगता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा डिपार्टमेंट हुआ। यहाँ पर हमारे डॉक्टर कौशल साहब, यहाँ पर जैसे कि आपको थोड़ा आगे दिखाइए, ऊसर भूमि का सुधारक, ये समतलीकरण हो गया, वहाँ पर आपका फसलोत्पादन है। फिर साग भाजी डिपार्टमेंट आपका एक तरफ है, ये जो भी सॉयल साइंस डिपार्टमेंट है। अब आप देखेंगे इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुधारकों का प्रयोग है, जिप्सम का प्रयोग करके, पायराइट का प्रयोग करके, या ऊसर भूमि का सुधारक क्या है, कौन सा केमिकल है, जैसे आपका कैल्शियम रिड्यूस कर देता है, ठीक उसी प्रकार से चूना रिड्यूस कर देता है, तो इस प्रकार से आपके ये सॉयल डिपार्टमेंट देखने के लिए यहाँ पर मिला। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोले यहाँ पर देखिए जो एग्रीकल्चर की न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की हुई है, किस प्रकार से आप मॉडल देख सकते हैं, तो मॉडल यहाँ पर आपको एरिया पता चल जाएगा, फिर उसमें कितना कल्टीवेशन करना चाहिए, ये सब डिपार्टमेंट यही है एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट। जैसे उन्नत फसल प्रणाली, फिर आपको न्यू टेक्नोलॉजी यहाँ पर आलू संरक्षित जल संरक्षण आपको दिख जाए, फिर यहाँ पर अंतर फसल इंटरक्रॉपिंग, फिर हरा चारा। तो एग्रीकल्चर के सेगमेंट में आप देखेंगे तो आप अपने जिले का मौसम क्या है, कैसे है, जो इकोनॉमी डिपार्टमेंट है यहाँ पर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आप इस QR को स्कैन करके अपने जिला के बारे में पूरा जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आप उसको जुड़ सकते हैं, उससे स्कैन करेंगे जुड़ जाएंगे, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट के सारे इंसेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं, और यहाँ पर देखिए इसको लिखा, ये आपका है इंसेक्ट ट्रैप। इसमें जब फेरामोन हार्मोन इसमें जब इंजेक्ट कर दिया जाता है तो मेल इंसेक्ट इस पे अट्रैक्ट होकर के इसी पाइप में गिर जाता है, और जो इस पाइप में गिर जाता है तो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब इसकी मृत्यु हो जाती है। आपकी मुर्रा नस्ल है, फिर आपकी भगौरी नस्ल है, भगौरी के बाद आप आगे आएंगे
तो शायद आपको साहिवाल नस्ल सुने। मैं माननीय पुष्पा जी से अनुरोध करता हूँ डायरेक्टर अटारी के नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी देकर और स्वागत करने का कई बार किया हुआ क्वेश्चन है कि साहिवाल का उत्पत्ति स्थान कहाँ। ठीक है, यहाँ सामने से हमारे कल्याण मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिभा शुक्ला जी यहाँ पधार चुकी है। मैं माननीय पुष्पा जी से अनुरोध करूंगा सबका उद्देश्य यही है जैसे किसानों की डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहाँ पर जितने भी फार्मर्स आते हैं बीज लेने बीज विक्रय केंद्र है यहाँ आपको यहाँ से सारी बीज मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर किसान मेले के उपरांत आपको लेना होगा तो आप हमसे संपर्क करिएगा इंस्टाग्राम पर, मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बता दूंगा कि कहां पर सीट मिलेगी। फिर अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये कम्युनिटी साइंस मतलब होम साइंस के अंतर्गत चलेंगे तो यहां पर काफी डेकोरेटिव मिलता है, यहां पर बस सजावटी है, अलग अलग प्रकार की सजावटियां हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर एक चीज आप देखेंगे इस प्रकार से अलसी के प्रयोग से ये सब जो ऊन बना हुआ है ये अलसी के प्रयोग से बना हुआ है, यहाँ पर लिखा है ना बहुपयोगी अलसी, अलसी के तरफ से आपका बना हुआ है। ये सब CSIUT प्रोडक्ट है। बायोफोर्टिफाइड किसमें, बायोफोर्टिफाइड का मतलब ये होता है कि उसमें पूरा कम्प्लीटली न्यूट्रिएंट भरा हुआ, मल्टी न्यूट्रिएंट क्रॉप, एक वैरायटी आपकी जो होगी वो मल्टी न्यूट्रिएंट। ये हमारा है कृषि विज्ञान केंद्र कन्नौज और ये हमारे हैप्पी सर हैं और इन सभी किसानों को अपने वैरायटियों के बारे में बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है, उनको सीड चाहिए होती या फिर कोई भी जानकारी होती तो वो सब चीजें बता रहे हैं। जो आप लोग कहते हैं कि कृषि अभियंत्री की एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा में है, इटावा इंजीनियरिंग कॉलेज फिशरीज कॉलेज है उसी में आप लोगों को यहाँ पर देखिए इटावा वाला कैंपस स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ से देख सकते हैं। इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर देखिए जो फिशरीज कॉलेज है शोध केंद्र उसका स्टॉल यहाँ पर लगा हुआ है, उसके सारे अंदर आपको देखने के लिए यहाँ पर आइए, हम आपको फिशरीज विभाग में दिखाते हैं यहाँ से जो भी फिश इसमें जो इसी कल्चर है इसमें देखिए किस प्रकार से एक्वा कल्चर आपका इस प्रकार से। यहाँ पर देखिए पैकेट में रखे हुए हैं किसान लोगों को यहाँ पर से समझ से निकाल करके नाश्ता करने के लिए, जो भी यहाँ पर कौन सी कृषि विज्ञान केंद्र अलीगढ़ ने ये इस प्रकार से व्यवस्था की है, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी दूर से किसान है उसका टेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पर मुख्य अतिथि आए हैं, वाइस चांसलर है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, सभी लोगों के लिए जो किसान अपना उपज कर रहे हैं यहाँ से बीज उत्पादन कर रहा है ग्रो मोर के अंतर्गत प्रोडक्शन को सम्मानित किया जाएगा, कम उसके लागत में अधिक फसल उगाने के कारण उनको यहाँ सम्मानित किया जाएगा, बाकी का
कई कारण है, एक कारण यह है हमारा स्टॉल लगा हुआ है जो कि कमर्शियल है, उसको हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, आज का ये वीडियो कैसा लगा फीडबैक अवश्य दीजिएगा। बाकी जानकारी कोशिश करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे